तांग वुटोंग तांग सेन और जियो वू की बेटी का जन्म गॉड रियल में हुआ। हालांकि वह यह देखने के लिए डुलुओ महाद्वीप जाना चाहती थी कि यहां लोग कैसे रहते हैं। उस समय वह हो युहाओं की तरह लगभग 11 से 12 वर्ष की थी। उसने श्रेक अकादमी में प्रवेश किया जहां वह हुआ युहाओं से पहली बार मिली। गॉड रियल में जन्मी तांग वुटोंग को स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता सीगोर तांग सेन और जियो वू से डिविनिटी इनहेरिटेंस में मिली, लेकिन नियमों के अनुसार गॉड्स मेनलैंड में नहीं उतर सकते और मॉर्टल लोगों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तांग वुटोंग इस प्रतिबंध को कैसे दरकिनार कर पाई और डुरो मेनलैंड में रहने लगी। असल में बात यह है कि तांग सेन ने तांग वुटोंग की डिवाइन पावर को सील कर दिया, इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड में वह सभी सामान्य स्पिरिट मास्टर की तरह थी। आखिरकार उसके पास कुछ फायदे थे, उसकी सोल की तरह बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि तांग वुटोंग की लड़ाई की भावना क्या है। क्या यह तांग सेन का क्लियर स्काई हैमर या ब्लू सिल्वर ग्रास या जियो वू की आत्मा से संबंधित कुछ हो सकता है? अब हम पता लगाएंगे। आपके लाइक और कमेंट से वीडियो के प्रमोशन में काफी मदद मिलेगी। तांग वुटोंग की पहली स्पिरिट ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई या शाइनिंग गॉडेस ऑफ द बटरफ्लाई की है। यह एक प्रकार की एनिमल स्पिरिट है। बटरफ्लाई गॉडेस को पूरे महाद्वीप में सबसे सुंदर सोल स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। यह एक रेयर और लेजेंडरी सोल है। यह अपने मास्टर को अपनी पीठ पर सुंदर बटरफ्लाई विंग्स उगाने की अनुमति देता है, जिसमें नीले रंगों की लगातार बदलती श्रृंखला होती है। इसे केवल गर्ल स्पिरिट मास्टर ही प्राप्त कर सकती है। बटरफ्लाई स्पिरिट का मेन एट्रीब्यूट लाइट एलिमेंट तत्व है, लेकिन बाद में उसकी बटरफ्लाई स्पिरिट ड्रैगन बटरफ्लाई में बदल गई। इसका मतलब है कि उसकी लड़ाई की भावना में पौराणिक ड्रैगन देवता के खून का निशान होना चाहिए। स्पिरिट बटरफ्लाई तांग वुटोंग की पीठ से बड़े पंखों की एक जोड़ी पैदा करती है। इन पंखों का रंग आकर्षक नीला है, जो कि किनारों पर सुनहरे रंग में बदल जाता है। वे थोड़े अजीब भी हैं, क्योंकि ड्रैगन के पंखों के किनारे तितली के पंखों की तरह हैं। तांग वुटोंग के माथे पर एक सुनहरा ट्राइडेंट दिखाई देता है। इवोल्व होन के बाद न केवल ब्राइट बटरफ्लाई देवी का पावरफुल लाइट है, बल्कि गोल्डन ड्रैगन की टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। इवोल्व हाइन के बाद वह दोनों एलिमेंट मर्ज होकर ब्राइट रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस एबिलिटी को भी एक्सेस कर लिया। इस पहली सोल पर तांग वुटोंग के पास 9 रिंग्स होंगी निहसंदेह। उनमें बहुत दिलचस्प कौशल वाली कई लाल अंगूठियां होंगी। उदाहरण के लिए तांग वुटोंग की पहली अंगूठी, जो मूल रूप से 600 साल पुरानी है, जो की ब्लेड विंग्स की स्किल्स रखती है। तांग वुटोंग के सामने के विंग्स पूरी तरह से नीले हो गए। सुनहरे पैटर्न उसके पंखों के किनारों पर प्रकाश के बेहद तेज ब्लेड बनाने के लिए फैल गए। इससे वह उन्हें ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकती है और अपने लक्ष्य को काटते समय सुनहरे नीले निशान छोड़ सकती है। उसके विकास के बाद भी कार्य वही है, सिवाय इसके कि उसके ड्रैगन पंखों के चारों ओर सुनहरे चमकते किनारे बन गए हैं। तांग वुटोंग एक अटैक टाइप स्पिरिचुअल मास्टर है। वह अपने अपोनेंट से लड़ते समय जल्द से जल्द बैटल खत्म करने की कोशिश करती है। वह अपनी स्किल से वह क्लोज और लॉन्ग रेंज अटैक दोनों कर सकती है। वह अपने सेकंड स्पिरिट को बहुत ही रेयर सिचुएशन में उसे करती है। वह फाइट के लिए मजबूत विरोधियों के खिलाफ आमने सामने जाने के लिए अपनी बटरफ्लाई बैटल सोल रहना पसंद करती है। तांग वुटोंग युद्ध के अंदर और बाहर स्पिरिचुअल सोल कंट्रोल टूल्स उपयोग करने से बचती है, क्योंकि यह उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है। तो तांग वुटोंग की पहली आत्मा एक शिनिंग बटरफ्लाई है। प्रश्न उठता है कि यह आत्मा कहां से आती है। उसके माता पिता में से किसी के पास ऐसा कुछ नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर पर परफ्यूम विरासत में मिलते हैं, खासकर अगर माता पिता के परफ्यूम फर्स्ट क्लास के हों। हालांकि 50% मामलों में एक पूरी तरह से नई आत्मा प्रकट हो सकती है या मूल आत्मा उत्परिवर्तित हो सकती है। इसका एक उदाहरण हो युहाओं की स्पिरिचुअल आईज है। हालांकि उनके पिता के पास दाई मुबाई के वंशज के रूप में वाइट टाइगर की आत्मा थी, हो युहाओं स्वयं एक पूरी तरह से अलग उत्परिवर्तित भावना के साथ पैदा हुए थे। तांग वुटोंग की दूसरी आत्मा क्या होगी? यहां सब कुछ आसान है। जहां तक उसके पिता तांग सान की भावना की बात है, तो यह उसे विरासत में मिली। तांग वुटोंग की दूसरी आत्मा हैमर ऑफ क्लियर स्काई है, जो महाद्वीप की सबसे मजबूत टूल सोल है। हालांकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, तांग वुटोंग ने इसका अक्सर उपयोग नहीं किया। हालांकि एनी में उसकी दूसरी आत्मा पर अधिक ध्यान दे सकती है। क्लियर स्काई हैमर तांग वुटोंग को तांग सेन से दिखाई दिया और उसकी बटरफ्लाई सोल की उत्पत्ति को इस प्रकार समझाया जा सकता है। यह संभावना थी कि यह एक भगवान का उपहार था, क्योंकि जब वह अभी भी छोटी थी तो उसे देवता द्वारा देवत्व प्राप्त करने के लिए चुना गया था
और इसलिए उसके पास गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई की सोल और तांग सेन से स्पष्ट हैमर ऑफ स्काई है। तांग वुटोंग के पास दोनों आत्माओं पर क्या स्किल्स और रिंग्स होंगे, वे कितने पावरफुल है, ये सब हमें पता लगाना है। हम बहुत सी दिलचस्प चीजों का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तांग वुटोंग के पास एक तीसरी आत्मा भी है। हम अगले वीडियो में इसके बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिखें कि दोनों तांग वुटोंग सोल में से कौन अधिक मजबूत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाय बाय।